हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नेथा और आज हम क्या दिखाऊं मैं आपको, सब तरफ तो कोहरा लगा हुआ है, इस वजह से मेरी वीडियोस नहीं बन पा रही हैं। आज ये देखिए कितना भयंकर कोहरा लगा है, बिल्कुल घर के बाहर खड़ी हूँ मैं और इतना कोहरा लगा है आज फिर। लेकिन आज हम लोग खेतों में हल लगाएंगे, छोटा ट्रैक्टर है, केविन मेरा छोटा बेटा ही हल लगा रहा है क्योंकि बड़ा की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो हम लोग किस तरह से हल लगाते हैं मैं वो दिखाऊंगी आपको। खेतों में परसा डाल दिया है, यानी गोबर की खाद, हम लोग प्योर गोबर की खाद ही यूज़ करते हैं। तो ये सब खेतों में गोबर डाला है और फिर इसके बाद हम इसमें हल लगाएंगे। इस खेत में हल लगेगा पूरे में, अभी केबिन आता है लेके। इस साइड ये हल्दी लगी हुई है, ये हल्दी के पौधे हैं, जो हल्दी हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं ये वही वाली हल्दी है। हम पूरा साल भर के लिए हल्दी लगाते हैं। ये अदरक है, अदरक के पौधे हो रहे हैं ये पूरे खेत में। अदरक भी हम पूरा साल भर के लिए लगाते हैं। अभी कुछ टाइम बाद इनका खोदने का टाइम आ जाएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि खोद के कैसे निकलता है। और इस साइड वाले खेत में हमने मक्का लगा रखा है, पूरा आर पार है खेतों में मक्का, फूल आने शुरू हो गया है और ये लगने भी अभी स्टार्ट तो नहीं हुए हैं, थोड़े दिनों में हो जाएंगे। तो मक्का खाने के इस्तेमाल आ जाता है और जो इनकी डंठल होती है ये हम चक्की में पीस के गायों को देते हैं, तो कुछ भी चीज़ ऐसे वेस्ट नहीं होती है। ये सारा मक्का है, हाइब्रिड मक्का खाने वाला बढ़िया, और खाद पूरी प्योर गोबर की, हम कोई भी पेस्टिसाइड्स DDT या यूरिया कुछ इस्तेमाल नहीं करते हैं, तभी ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ये कद्दू की बेल और पहाड़ी ककड़ी की बेल है। पहाड़ी ककड़ी जो है खीरे की तरह ही होता है लेकिन लंबा, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये देखे, ये पहाड़ी कद्दू है, खूब हो रहे हैं, फूल आ रहा है। ये बरसात की वजह से और ऐसा मौसम की वजह से, ये देखिए कोहरा भी लगा है तो फूल झड़ जाते हैं। ये मम्मी ने लगा रखे हैं मेरी, उन्हें बहुत शौक है। ककड़ी भी लगा रखी है खूब उन्होंने। ये पीली ककड़ी हो रही है, इसका रायता बहुत अच्छा बनता है, हम लोग रायता बनाते हैं, पहाड़ी रायता इस ककड़ियों का बहुत ही बढ़िया बनता है। और खूब फूल भी आ रहा है, ककड़ियाँ भी अभी देखिए खूब लगेंगी। अभी पहाड़ में हरी मिर्चा भी बहुत लगती है, पहाड़ी मिर्चा, तो ये भी हम लोग साल भर के लिए लगाते हैं ताकि जब ये लाल हो जाती है उनको सुखा के पीस के रख लिया। तो ये भी पहाड़ में भी पहाड़ी मिर्चा भी खूब लगती है। ये देखिए, ट्रैक्टर ऑन हो गया है, चलिए अब मैं आपको, केविन आ गया ट्रैक्टर लेके, बच्चे लगाते हैं हमारे यहाँ ट्रैक्टर, दोनों को आता है। केविन अब खेत में लेके जाएगा, यहाँ पर उसने हल लगाना है। डेसु ने दोनों को सिखा रखा है हल लगाना, बड़ा वाले की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है इसलिए वो नहीं आ पा रहा है, अभी छोटा का फ्री था तो वो लगा रहा है, लगाने वाला है। आ गया केविन। यहाँ पर खेत टेरेस नुमा होते हैं ना, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लाने और ले जाने में, तो ये हेल्प करने के लिए चाहिए।
जगह से आना जाना जो है ना, ये ऐसे उतारना पड़ता है ट्रैक्टर को। ये देखिए अब ट्रैक्टर चलने लग गया। आपको फर्क पता लग रहा होगा, ये देखिए ये भी उसने एक साइड से स्टार्ट किया है, अभी बीच में करेगा और यहाँ से वो करके ले जा रहा है। तो इस तरह से जो है मिट्टी और वो एक साथ मिलता है और इसमें वो नहीं होता, मिट्टी के बड़े बड़े ढेले टाइप के नहीं बनते हैं अगर बैल से करेंगे आप तो। अब ये ट्रक केविन ने एक खेत में हल लगा दिया है और अब ये दूसरे खेत में लगा रहा है। टेस्सू ने दोनों बच्चों को सिखा रखा है कैसे यूज़ करना है, तो ये दोनों यूज़ करते हैं मोस्टली। ये लोग जब फ्री होते हैं या तो शाम को, अभी इनकी क्लासेस, इसकी क्लास नहीं चल रही थी तो आज ये लगा रहा है, जिम की तो चल रही है तो इस वजह से वो बैठ के पढ़ रहा है और ये लगा रहा है। अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। अब केविन दूसरे खेत में हल लगा रहा है। अच्छी धूप भी निकल आई है आज, केविन हल लगा रहा है तो धूप निकल आई है। टाइम लगता है थोड़ा लेकिन हो जाता है। आज ये दो ही खेत करेगा क्योंकि अब उसके बाद इसकी क्लासेस है। और इतना बढ़िया खेत हो जाता है। और इस खेतों में फिर लहसुन लगाएंगे। और भी हैं अभी खेत, अब ये कल दो तीन दिन तक ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लगाएगा ताकि जितना जब भी से टाइम मिले कर सके। डिस्सू कहते हैं कि बच्चों को हर चीज़ सिखानी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ फार्मिंग भी, जब हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं तो इन्हें भी आना चाहिए, तो इस वजह से इन सबको सिखा रखा है। और इस खेत में ये हल लगा के फिर इसमें लहसुन की तैयारी होगी, लहसुन लगाएंगे। गुड बॉय केविन, उसको सुनाई नहीं दे रहा है इतनी तेज आवाज हो रही है। अभी इसमें भी हल लगाना है लेकिन अभी कल लगाएगा। ये कागजी नींबू हो रहे हैं। धूप आ गई है। ये पहाड़ी नहीं, हाइब्रिड लहसुन है, ये भी खेतों में लगेगा। ये मम्मी पहाड़ी लहसुन का वो कर रही है, पिप्स निकाल रही है और छिकल एक तरफ लगे हैं दोनों दीदी और मम्मी, दोनों ये खेत में लगाने की तैयारी हो रही है। केविन हल लगा रहा है और दीदी मम्मी ये काम कर रही हैं दोनों। और मैं जाके अब खाना बनाती हूँ। ये देखिए ऐसे काम होता है, सब मिलकर काम करते हैं तभी काम हो पाता है। ये पहाड़ी ककड़ी है, प्लेन्स के खीरे से थोड़ा बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है और ये पीला भी जब हो जाता है काफी मोटा भी होता है, तो फिर हम उसकी बड़ी बनाते हैं। अभी तो ये खाने लायक है क्योंकि ये मुलायम है और हर अच्छा वो होती है, ये टेस्टी होती है खाने में। ये पहाड़ी हल्दी है, इसको भी हम लोग यूज करते हैं, हल्दी लगाते हैं अपने खेतों में। आपको दिखाया मैंने अभी, वही सुखा के फिर उसको पिसवा रखा है। 5 किलो हल्दी है, ये हमारे भी यूज हो जाएगी, साल भर की हल्दी हम लोग अपने करते हैं
ताकि हमें खरीदना ना पड़े। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है तो सभी को पता है, खांसी जुकाम में मैं दीदी और मम्मी को देती हूँ दूध में डाल के थोड़ा सा, और हर चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, खाने में तो हम करते ही करते हैं, खैर तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप गाइज आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। आज जो मैंने वीडियो शूट करा था पूरा फार्मिंग के ऊपर था कि किस तरह से हम लोग हल लगा के किस तरह से मिलकर काम करते हैं, तो आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ थम्स अप कमेंट कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं आपको और भी नए नए वीडियोस दिखाती रहूँ कि हम लोग दिन भर क्या करते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो। वंस अगेन बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय बाय।